ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगड़ा टोली रांची। आदिवासी दिवस का बीजेपी के अनुसूचित जनजाति की ओर से विरोध किया जाएगा। 9 अगस्त को होने वाले आदिवासी दिवस को बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने इस दिन को आदिवासियों के बर्बादी दिवस के रूप में अंग्रेजों ने मनाने की शुरुआत की थी। सच्चाई और इतिहास को कौन मना कर सकता है? ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तिथि है, उनका पहुंचने का तिथि 9 अगस्त 1498। इस तिथि को तो शिवशंकर कंसेप्ट नहीं बना सकता ना, वो तो उस तारीख को वो पहुंचे थे अपने जहाज से, अपने कुमुक के साथ, जातियों के साथ, आदिवासियों के साथ, जिनको रेड इंडियंस के रूप में हम लोग जानते हैं। ये रेड इंडियंस नाम आया कैसे, किसने दिया? ये काले लोग थे, सांवले लोग थे, आदिवासी लोग थे, खोज करने निकले थे इंडिया, उनको लगा कि हम भारत पहुंच गए, और यही लोग हैं जो मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में लोटपोट रहते हैं, ये लोग रेड इंडियंस हैं। पहला शब्द जो कोलंबस के मुंह से निकला था वही रेड इंडियन इंडियंस कहलाते हैं, कहलाए कालांतर में। आदिवासी दिवस के रूप में सरकारी स्तर पर 9 तारीख को मनाएंगे, मतलब स्पष्ट है कि वर्तमान हेमंत सरकार जनजातियों के बर्बादी का उत्सव मनाना चाहती है और उनके अच्छे दिनों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन उनके बर्बादी दिवस को ये भी मुहर लगाना चाहती है और स्वयं को कहती है कि हम सबसे बड़े झारखंड में आदिवासियों के पैरोकार हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, और जनजाति भाइयों की, आदिवासी मूल निवासी भाइयों की बर्बादी दिवस को झारखंड में भी सरकारी तौर पर स्थापित करने का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में हेमंत सरकार भी और उसकी पूरी सरकार शामिल है, इसका तो उजागर आप सबको भी करनी है, और हमारे जनजाति समाज को बचाना है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा इस बात को लेकर के तो जा ही रही है। और आपने बहुत सही प्रश्न किया, विश्व आदिवासी दिवस हमारे मीडिया के साथियों को भी शायद बहुत कुछ पता नहीं, आम जनजाति समाज को तो पता नहीं है। 1498 कोलंबस स्पेन से निकले थे भारत की खोज में, और भटकते हुए अमेरिका की भूमि में पहुंच गए। मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।